हाँ जी, सारे कैंडीडेट्स को मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों तुहाडा सारयां दा स्वागत है। तो दोस्तों अज्ज दी वीडियो विच आपां एक विशेष टॉपिक दे उपर गल करांगे, जिवें कि बहुत सारे बच्चों के जिहड़े प्रश्न ने मैडिकल कित्थे होणगे, मैडिकल किवें दे होणगे, ते वेरीफिकेशन जदों होगी उहदे विच की कुछ हुंदा, की कुछ सानूं डॉक्यूमेंट की लोड़ है, वेरीफिकेशन विच कोई डर वगैरह तो नहीं हुंदा कोई बाहर निकलण दा, सारियां इहदे विच क्वीरीज़ आपां तुहाडियां सॉल्व करन दी कोशिश करांगे। वीडियो लास्ट तक देखियो, ते जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवें हो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो तां कि लेटैस्ट अपडेट्स हरेक भर्ती रिगार्डिंग तुहानू सब तो पहला मिलते रहन। सो आओ दोस्तों शुरू करते हैं अज की ये वीडियो। एज पर नोटिफिकेशन तुहाडे सामने नोटिफिकेशन सारा, तो तुहाडा मैडिकल एग्जाम होगा। पहला मैडिकल एग्जाम मीनस ये नहीं है कि तुहाडा कोई पेपर वगैरह होगा, इत्थे तुहाडा मैडिकल चैकअप किया जाऊगा सर्जेंट द्वारा, एक सरकारी जिहड़े सर्जेंट होंदे ने उन्हां द्वारा, सरकारी डॉक्टर द्वारा तुहाडा चैकअप किया जाऊगा। तो वड्डी गल दोस्तों यह है कि मैडिकल कित्थे होगा। सो दोस्तों मैडिकल तुहाडे डिस्ट्रिक्ट विच ही होगा, इदां नहीं होगा कि तुहानू सारयां नू जलंधर बुला लिया जाऊगा, इदां नहीं होगा कि तुहानू सारयां नू चंडीगढ़ बुला लिया जाऊगा। एज़ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिवें कि पहला हुंदा आया उस दे मुताबक ही डिस्ट्रिक्ट विच ही जिहड़ा होना, ठीक है। मैडिकल दे उपर दोस्तों एक वक्री वीडियो मैं बनाई हुई है जिहदे विच अनैक्सचर 12.16 दे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि नहीं होना चाहिए, कि होना चाहिए, टैटू वगैरह सारी इनफॉर्मेशन जिहड़ी मैं उस वीडियो विच दित्ती हुई आ, वीडियो जरूर देखियो, ठीक है। अगर तुहानू लगता वीडियो दोबारा पोस्ट करनी चाहिए तो सानू कमेंट बॉक्स में दस दिओ, असीं दोबारा पोस्ट कर देंगे, ठीक है। जे किसी की कोई क्वेरी आ इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, साढ़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन दे विच दित्ता होया, ठीक है जी। अगे दोस्तों गल करते हैं जिहड़ा मैडिकल होगा उहदे विच सबस्टांस अब्यूज़ टैसट होगा। दोस्तों यह एक जिहड़ा नशे का टैसट हुंदा हुंदा, इह जरूर चैक किया जाऊगा भी कोई कैंडीडेट जिहड़ा नशा वगैरह तो नहीं करता, ठीक है। तो होर गल दोस्तों किसी भी तरह की रिलैक्सेशन जिहड़ी आ नहीं मन्नी जाऊगी मैडिकल दे विच, मतलब कि कोई रिलैक्सेशन कोई छोट नहीं दी जाऊगी किसी भी कैटेगरी दे नूं, जां कोई भी बंदा होवे मतलब उहदे विच जे कोई डिफेक्ट पाया जांदा तां उहनूं कोई छोट जां रिलैक्सेशन नहीं दी जाऊगी, ठीक है। उस तो बाद दोस्तों तुहाडा मैडिकल हो गया, मैडिकल चो जो तुसीं फिट हो गए तुहाडा करैक्टर एंड एंटीसीडेंट वेरीफिकेशन होगी, ठीक है। इहदे विच तुहानूं किहड़े किहड़े सर्टिफिकेट जां की चीज़ां की लोड़ है जां किवें हुंदा उह भी सारा तुहानूं दस्सण लगे आ। दोस्तों तुहाडा करैक्टर चैक किया जाऊगा, करैक्टर किवें चैक किया जाऊगा दोस्तों, तुहाडे विच्चों अगर किसी बच्चे ने पासपोर्ट वगैरह बनाया होगा तो तुहानूं वधिया नॉलेज होगी कि किवें तुहाडी जिहड़ी आ वेरीफिकेशन की जाती है पुलिस थाने वालों, ठीक है। तुहानूं दो या तीन गवाह लैके जाने पैंदे हुंदे ने, ठीक है। वह पुलिस वाले चैक करते हुंदे ने कि इस बंदे का जिहड़ा चरित्र है वेरी करैक्टर आ वह मतलब पूरा ठीक है, मतलब इस बच्चे ते कोई केस वगैरह जां कोई परचा वगैरह तां नहीं हैगा, ठीक है। यही जिहड़ी वेरीफिकेशन सारी हुंदी आ करैक्टर दी, इह थाने वाले वल्लों कीती जांदी आ, ठीक है। तो कोई इन्ना खास चक्कर नहीं हैगा, बस तुहाडा करैक्टर वधिया होवे, तुहाडे ते कोई केस कूस जां परचा पुरचा ना बोलदा होवे, ठीक है जी। तो उस तो बाद दोस्तों अगला प्रोसैस होगा वेरीफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स का। यह दोस्तों की हुंदा जिवें कि कई बच्चे होंदे ने ना कई फेक सर्टिफिकेट बना लेंदे हुंदे ने, फेक सर्टिफिकेट मतलब यूनिवर्सिटी कोई फेक यूनिवर्सिटी आउंदियां ने ना, तो कई बार इदा हुंदा कि जदों बच्चे ने अपनी कोई फीस पोस्ट वगैरह भरते हैं जां इही पुलिस वाला फॉर्म फिल करिया सीगा उदों सर्टिफिकेट कोई होर सीगा ते एक्चुअल च उहनां कोल कोई होर है, तां इह पुलिस डिपार्टमेंट की करूगा तुहाडे सर्टिफिकेट की वेरीफिकेशन करूगा। मतलब कि जे तुसी ने पी एस सी वी तो मतलब कि पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड तो की है तो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड विच तुहाडे सारे सर्टिफिकेट की वेरीफिकेशन होगी भी तुहाडा रिकॉर्ड उत्थे बोलता, तुहाडा रोल नंबर सेम आ, तुहाडा नाम उत्थे ठीक है, ठीक है। तुहाडे सारे सर्टिफिकेट चैक किए जाएंगे, डिपार्टमेंट खुद करूगा यह काम, तुहानू कितें कितें मोहाली या कितें भी जाने की लोड़ नहीं है, डिपार्टमेंट यह सारा काम खुद करूगा, ठीक है। वेरीफिकेशन यही डिपार्टमेंट खुद करूगा, सो ये भी तुहानू कोई ज्यादा चक्कर या टेंशन लैण वाली कोई गल नहीं हैगी, ठीक है। इस तो बाद जो सारा कुछ दोस्तों ये हो गया फिर तुहाडी ज्वाइनिंग तुहानू मिलेगी, ज्वाइनिंग लैटर तुहानू दित्ते जाणगे ते तुहाडा प्रोबेशन पीरियड आ जिहड़ा ओह स्टार्ट हो जाऊगा, ठीक है। कैंडीडेट सिलेक्टेड इन द अबव मैनशन मैनर शैल बी गिवन एन ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट बाय कॉम्पीटेंट अथॉरिटी इंडीकेटिंग द टाइम फ्रेम फॉर ज्वाइनिंग, ठीक है जी। तो तुहाडा प्रोबेशन पीरियड आ जिन्ने का भी हैगा वो स्टार्ट हो जाऊगा, तो तुहाडी जिहड़ी सैलरी आ वह स्टार्ट हो जाऊगी ट्रेनिंग के दौरान। द सिलेक्टेड कैंडीडेट्स आफ्टर ज्वाइनिंग शैल बी ऑन प्रोबेशन, ठीक है। प्रोबेशन से तुसीं होंगे इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन एज एप्लीकेबल, इन केस ऑफ वैकेंसी रिमेन्स अनफिल्ड ऑन अकाउंट एनी रीजन द सेम शैल बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नैक्सट रिक्रूटमेंट, जे मतलब कोई वैकेंसी खाली रह जाती इतने कहा
ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਵਗੈਰਾ ਭਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਰਮ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਪੋਸਟ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ 50 ਰੁਪਏ ਹੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕੁਇਰੀਜ਼ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ, ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਹੌਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਧੰਨਵਾਦ।